अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एसडी। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं आरेवाला से। आरेवाला मोहम्मद नगर डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर की सरबराही में एसएचओ थाना फरीद नगर की मंशियात और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। मजीद देखते हैं शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आरेवाला मोहम्मद नगर डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर की सरबराही में एसएचओ थाना फरीद नगर की मंशियात फरोशी और पतंग बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। एसएचओ थाना फरीद नगर ने अपनी टीम के हमराह मुलजम दौराने गश्त एक मुखबर की इतला पर मुलजम शहजाद नामी शख्स को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जे से 1170 ग्राम चरस बरामद कर ली और दूसरा मुलजम साजिद हसन को गिरफ्तार करके 1080 ग्राम चरस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना फरीद नगर पुलिस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से भारी मकदार में मनशियात बरामद की गई, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की मीडिया से गुफ्तगू। मनशियात जैसे नासूर को खत्म करके ही दम लेंगे। डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर ने एसएचओ थाना फरीद नगर राणा अरशद रहमान समेत कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली टीम को शाबाश दी और इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर पंजाब पुलिस के अफसरान की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा। समाजी शख्सियात व मुअज्जिज़ीन अपने इर्द गिर्द के माहौल में कड़ी नजर रखें और मशकूक अफराद की बरवक्त इतला पंजाब पुलिस को दें। मनशियात माशरे का ऐसा नसूर है जो नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए मुतहरक है, लेकिन इनके अजाम को नाकाम बनाएंगे। जी